नमस्कार किसान भाइयों, मैं भानु प्रताप कृषि टेक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर गुजरात से बात कर रहा हूं। आज मैं आपको सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर में स्टार व्हील अलाइनमेंट कैसे करते हैं और स्प्रिंग की सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी देता हूं। आइए देखते हैं। ये आपका मशीन का फ्रंट हेड दिया हुआ है। अभी आपका यहाँ पर देखिए स्टार व्हील का ये लीफ दिया हुआ है चार। अभी हमको यहाँ पर देखिए कन्वेयर चैन दिया हुआ है। कन्वेयर चैन और स्टार व्हील के बीच में हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टार व्हील देखिए अभी जो चैन का ये लक्स दिया हुआ है और स्टार व्हील जो दिया है इसके स्टार व्हील के सेंटर में होना चाहिए हमारा चैन का लक्स। इसको हम सेटिंग करने के लिए नीचे एडजस्टेबल बोल्ट दिया है नीचे, देखिए यहाँ पर। अभी हम इसको करते हैं इसका सेटिंग। मैं लॉक नट को यहाँ से खोल लिया। अभी इसको हम इस सेंटर में एडजस्टेबल बोल्ट दिया है, इसको हम घुमाएंगे। ये आपका ऊपर जाएगा स्टार व्हील, ऊपर दिखाइए कैमरा करिए। ये आपका चैन का जो लक्स है स्टार व्हील के सेंटर में आ गया है। अभी हम सेंटर में आने के बाद हम यहाँ पे लॉक करेंगे लॉक नट को। अभी हमने कंप्लीट लॉक कर दिया इसको। अभी आपका जैसे मैंने पहले स्टार व्हील को कन्वेयर चैन के लक्स के बीच में हमने सेटिंग किया, ऐसे ही सभी में हमें करना है यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरी करते हैं सेटिंग स्प्रिंग की। अभी हम स्प्रिंग की सेटिंग करते हैं यहाँ पे। ये आप देखिए काफ़ी दूर है, इसको हम थोड़ा पास में लेते हैं पत्रे के। तो इसके पास में लेने के लिए यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है, इसको हम खोलेंगे। आपको इतना सेटिंग करना है इसका कि पत्रे के बीच में पत्रे के पीछे टच ना करे, थोड़ी सी दूरी बना के रखना है। फिर इसको फिर नट को लॉक कर देना है यहाँ पे। हमने लॉक कर दिया। अभी हम ऊपर की स्प्रिंग को करते हैं। अभी हमने इसको नट को लॉक कर दिया है। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने स्प्रिंग की सेटिंग कर रखी है। यहाँ पे पत्रे के बीच में टच भी नहीं है, थोड़ी गैप रखना है। आप जैसे ही सेकेंड का स्प्रिंग सेटिंग करेंगे तो इससे थोड़ा से दूर रखना है आपको यहाँ पे सेटिंग करके वहाँ पे। फिर तीसरे में जब आपको आना है तो लगभग आपको आधा इंच रखना है, ये आपका आधा इंच जैसा इतना है बराबर। फिर आपको इसके बाद जब इसकी जो सिंगल स्प्रिंग दिया हुआ है स्टार क्रॉप सेपरेटर और स्प्रिंग के बीच का जो गैप रखना है आपको डेढ़ इंच रखना है।